लोहरदगा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हवा हवाई साबित हो रहा है। यहाँ एक माँ को अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। आरोप है कि माँ ने स्कूल से अपनी बड़ी बेटी के रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद मांगी थी, जो स्कूल प्रबंधक को नागवार गुजरा तो बड़ी बेटी पास आउट हो गई तो छोटी बेटी को फेल कर स्कूल प्रबंधन ने बदला निकाला। और माँ का आरोप है कि जानबूझकर छोटी बेटी को फेल कर स्कूल से बाहर निकाला गया है। डीसी डीएससी और डीईओ को अर्जी दी गई। डीसी ने डीईओ को कार्रवाई का निर्देश दिया लेकिन डीईओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए रिपोर्ट। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का सरकारी नारा जमीन पर हवा हवाई साबित हो रहा है। इसे लेकर न सरकार सीरियस है और न सरकारी महकमा। यही वजह है कि एक माँ अपनी बेटियों के साथ लोहरदगा जिला समाहरणालय के बाहर अनशन करने पर मजबूर है। दरअसल सेना प्रखंड के सेरिंगहातु गांव निवासी निर्मला देवी की बड़ी बेटी उसलाइन बालिका विद्यालय में पढ़ती थी। निर्मला देवी ने स्कूल से रजिस्ट्रेशन फी की रसीद मांग ली, जो स्कूल प्रबंधक को नागवार गुजरा है। मामला ये है कि हमारी तीन पुत्रियां हैं और एक बड़ी पुत्री का समय में रजिस्ट्रेशन का टाइम में हम रजिस्ट्रेशन फी 1000 रुपया मांगा गया स्कूल से। तो स्कूल से हम बोले कि 1000 रुपया सिस्टर अभी तो नहीं है, जो सरकारी फी है आप वही दीजिए। तो बोले कि नहीं, तो हमारा रूल है 1000 रुपया लेके तो रजिस्ट्रेशन इसका करेंगे, तो नहीं करेंगे। सिस्टर आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और 1000 रुपया हमको स्लिप दे दीजिए। तो मैं स्लिप नहीं देती हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए। हम बोले ठीक है, तब आपसे तो हम बहस नहीं कर सकते। माँ का आरोप है कि बड़ी बेटी के पास आउट होने के बाद छोटी बेटी को जानबूझकर फेल कर स्कूल से बाहर कर दिया गया। इसे लेकर उन्होंने डीसी डीएससी डीईओ को कई अर्जियां दी। डीसी ने डीईओ को कार्रवाई का निर्देश दिया लेकिन डीईओ ने कोई एक्शन नहीं लिया। बड़ी बच्ची वहाँ से पास आउट हो गई, बड़ी वाली दूसरी बच्ची के साथ ये क्या की थी, सेविंग में चढ़ी 6 क्लास पास करके, उसके बाद से इस स्कूल में खेल करके और स्कूल से ही निकाल दिया कि आपकी बच्ची पास में थी खेल की, क्योंकि हमारी बच्ची शुरू से किसी स्कूल में पढ़ी थी और दूसरी बच्ची को फोन भी नहीं दी। एक माँ बस इतना चाहती है कि उसकी बेटी पढ़ सके लेकिन सिस्टम को ये भी मंजूर नहीं। उसलाइन बालिका विद्यालय मनमानी पर आमदा है लेकिन विभाग उससे सवाल पूछने के भी जहमत नहीं उठाता। एक तरफ माँ अपनी बेटियों के भविष्य के लिए अनशन करने को मजबूर है तो दूसरी तरफ सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है। आखिर ये कैसा मजाक है। लोहरदगा से TV45 के लिए अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर गोस्वामी हमारे साथ बनने में उनका रुख करेंगे। अमर, देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो बहुत लगाया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं लोहरदगा में वो हवा हवाई साबित होती हुई नजर आ रही है। एक माँ को रजिस्ट्रेशन फीस का रसीद मांगना इतना भारी पड़ गया कि उनकी बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, आपको बताओ कि सेना प्रखंड अंतर्गत जो है सरघातु गांव निवासी जो है महिला निर्मला देवी अपने तीन बेटियों के साथ जो है लोहरदगा समरणालय के समक्ष अनशन पर बैठी थी और उन्होंने पूरे मामले पर बताया कि जो है विगत वर्ष जो है उसलाइन विद्यालय प्रबंधन से जो है उसको लगातार परेशान कर रही, उनकी बेटी का जो नामांकन जो है वो नहीं ले रहा है। साफ तौर पर दिख रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ जो साथ जो है स्कूल प्रबंधन जो है गलत कर रही है। इस मामले को लेकर जो है निर्मला देवी ने जो है डीएससी, यहाँ के जो डीएससी है डीओ के पास आवेदन दी है लेकिन अभी तक जो है सकारात्मक कार्रवाई के दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। जी अंकिता, देखिए जाहिर सी बात है अमर, अगर हम बात करें तो बड़ी बेटी पास आउट तो हो गई लेकिन छोटी बेटी को फेल कर स्कूल प्रबंधन ने बदला निकाला है तो क्या विद्यालय में ऐसे ही होता रहेगा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़? क्योंकि अगर बेटी को फेल करके अगर बाहर निकाला जा रहा है जाहिर सी बात है कि उनके भविष्य पर जरूर अफेक्ट होगा। तो ऐसे में क्या स्कूल की ओर से कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि अगर हम बात करें तो निर्मला देवी ने तो कई गंभीर आरोप लगाए स्कूल के ऊपर। देखिए इस पूरे मामले पर जो है स्कूल की अड़ियल रवैया, स्कूल के पक्ष लेने की भी प्रयास की गई लेकिन स्कूल प्रबंधन ने जो है फोन उठाना उचित नहीं समझा। लेकिन यहाँ पर देखिए मामला क्या है कि देखिए बच्चों की जो भविष्य है, एक साल से वो बच्ची घर पर है तो साफ तौर पर देखा जाए तो बच्चों के भविष्य जो है अंधेरे पे लटका हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो विफल नजर आ रही है और यहाँ पर है जो डीईओ है
यहाँ जो उनकी रवैया है, सरकार के जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। देखिए डीसी की बात करें तो निर्मला देवी ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने डीसी डीएससी और डीईओ को अर्जी भी दी थी। हालांकि डीसी ने डीईओ को कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन डीईओ की इतनी मनमानी चल रही है कि उन्होंने कार्रवाई करना उचित भी नहीं समझा। तो क्या डीईओ से कुछ बात हुई है, वार्ता होने की कोशिश की है आपने? जी बिल्कुल, देखिए मैंने उनसे फोन में बात की, उनसे जब मैंने फोन पर बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो डीसी सर को, जो डीसी सर ने जो पत्रचार किया थे उनको, उनका कहना है कि 4 जुलाई को जो है दोनों बच्चे की एडमिशन जो है वो उस लाइन स्कूल में हो जाएगी। लेकिन उस पर कुछ शर्तें भी है, जैसे बच्चे जो है वो उन्होंने एग्जाम भी दिया था, उसमें फेल हुए थे बच्चे लोग, लेकिन उसकी माँ की कहनी बच्ची पास आउट हुई है। तो इस पर जो है डीईओ का कहना है कि 4 जुलाई को बच्ची की एडमिशन जो है उस विद्यालय में हो जाएगी। जी अमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि लोहरदगा में कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा हवा हवाई साबित हो रहा है। यही का नतीजा है कि उस्लाइन स्कूल के खिलाफ एक माँ को मजबूरन आमरण अनशन पर बैठना पड़ा और बेटियों की पढ़ाई के लिए अनशन पर बैठी है और आरोप है कि जानबूझकर छोटी बेटी को फेल कर स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी अमर गोस्वामी ने हमें अपडेट दिया है कि डीईओ ने आश्वासन दिया है कि उनकी बेटियों का एडमिशन 4 जुलाई तक करा दिया जाएगा।